को आगाह करते चले, कराची की भैंस कॉलोनी में डेयरी फार्म्स के करीब आग लग गई। इत्तला मिलने पर फायर ब्रिगेड की दो गाड़ियां मौके पर पहुंच गई। आग डेयरी फार्म के बराबर में मौजूद कचरा कुंडी में लगी। फायर ब्रिगेड हुकाम के मुताबिक आग कंट्रोल में है, जल्द काबू पा लिया जाएगा। आपको बताते चले, कराची की भैंस कॉलोनी में डेयरी फार्म्स के करीब आग लग गई। स्क्रीन के बाएं जानिब ये मनाजिर आप देख सकते हैं। इत्तला मिलने पर फायर ब्रिगेड की दो गाड़ियां मौके पर पहुंच गई। तफसीलात हासिल करेंगे नुमाइंदा कैपिटल टीवी कराची असद अली से। असद, बताइए आपके हवाले से क्या तफसीलात सामने आई है? जी बिल्कुल, इत्तलाई तौर पर आग लगने के इत्तला के बाद जो है फायर ब्रिगेड की दो गाड़ियां भैंस कॉलोनी पहुंच चुकी हैं और फायर ब्रिगेड हकाम की जानिब से यही बताया गया है कि डेयरी फार्म के करीब ही जो है कचरा कुंडी है, कचरा कुंडी में आग लगी है। तमाम आग की शिद्दत में थोड़ा इजाफा है जिसके बायस जो है फौरी तौर पर आग पर जो है मुकम्मल तौर पर काबू नहीं पाया जा सका। तमाम आग जो है वो कंट्रोल में है, ये कहना है फायर ब्रिगेड हकाम की जानिब से। दो गाड़ियां इस वक्त जो है फायर ब्रिगेड हकाम की दो गाड़ियां इस वक्त काम कर रही हैं और कहा जा रहा है कि जल्द आग पर काबू पा लिया जाएगा। जी अच्छा, आसद आपसे ये भी जानना चाहेंगे, आग लगी उस वक्त वहां पे कितने के अफराद मौजूद थे? अभी देखिए मुख्तलिफ डेयरी फार्म यहाँ पर मौजूद हैं और उसके करीब ही एक बहुत बड़ी कचरा कुंडी भी वहाँ पर बनाई हुई है, जो भी कचरा होता है वहाँ पर जमा होता है, उसमें जो है ये आग लगी थी। आग की इतला के बाद जो है फायर ब्रिगेड की दो गाड़ियां भी जो है मौके पर पहुंच चुके हैं और बाकायदा आग पर जो है काबू पाया जा रहा है। जी बहुत शुक्रिया असद अली, तफसीलात से आगाह कर रहे थे।